फरीदाबाद के गदपुरी टोल पर बीती रात हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथियों ने गाड़ी फ्री करने को लेकर टोल कर्मी के साथ मारपीट कर पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बता दें कि फ्री करने को लेकर पहले टोल कर्मी के साथ हाथापाई और फिर लाठीचार्ज से कुटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस पूरी घटना में टोल कर्मी को काफी चोट भी आई। फिलहाल टोल प्रशासन की ओर से टोल कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में जो कि गदपुर थाने में शिकायत की, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल जुटी हुई है। यह तस्वीर सीसीटीवी में आप देख सकते हैं। अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस के जवान उसके साथियों ने टोल से गाड़ी फ्री करवाने को लेकर टोल कर्मी के साथ मारपीट और थप्पड़ घूसों से नहीं बल्कि लाठी डंडों से मारपीट की है। आपको बता दें कि एक तरफ हरियाणा पुलिस के सेना सुरक्षा सहयोग के लिए जाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी पुलिस के जवान हैं जो अपनी वर्दी पर रोब दादागिरी दिखाते हुए नजर आए। जहां टोल पर गाड़ी फ्री करने को लेकर टोल कर्मी के साथ मारपीट की, टोल कर्मी ने इसका विरोध किया तो सिर्फ पुलिस के आई कार्ड पर एक ही गाड़ी फ्री हो सकती है, जब देखा तो दूसरा नहीं हो सकती है। दूसरे नहीं तो जो कि जनाब को गुस्सा आ गया। जनाब ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मी के साथ मारपीट की थी। मारपीट की इतना ही नहीं, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी उसके साथियों ने मिलकर टोल कर्मी ऑफिस के अंदर रिसेप्शन पर ले जाकर उसके साथ मारपीट किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत कर दी गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की जा रही है। रोहित कुमार कहाँ काम करता है? मैं टोल गदपुरी टोल पे जॉब करता हूँ, टीसी का। क्या हुआ है आपके, चोट वोट भी लगी हुई है, क्या हुआ था? रात में 3:28 पे फ्रेश होके अपनी लाइन ओपन की थी, जब ये गाड़ी पुलिस वालों की आई थी, अपना आई कार्ड दिखाया मैंने, वो गाड़ी एग्जाम कर दी। उसके बाद में गाड़ी के पीछे गाड़ी बाहर रन थ्रू करने जा रहे थे, मैंने गाड़ी पिछली रोकी तो पिछली गाड़ी के साथ में अगली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी, तो पिछली वाली गाड़ी ने वो अगली वाली ठोक दी, उसमें से गाड़ी में से उतरे बिना बातें, ने कुछ पूछा तुरंत मार हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि एक गाड़ी के चक्कर में दूसरी गाड़ी फ्री निकालना चाह रहे थे। हाँ, हाँ। तो कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट शुरू की? उनमें दो तो पुलिस वाले थे और बाकी उनके सहयोगी थे। अच्छा, दो पुलिस वाले थे बाकी सहयोगी, तो वर्दी में थे नॉन वर्दी थे? नॉन वर्दी थे। उसके बाद में उन्होंने फोन करके और गाड़ी मंगाई। आपको कैसे पता वो पुलिस वाले थे? उन्होंने अपना आई कार्ड दिया था मेरे को। अच्छा, तो फिर आपके साथ मारपीट की? हाँ जी। किस चीज से मारा आपको? डंडे से मारा। मेरे हाथ में भी चोट लगी हुई है। अच्छा, फिलहाल क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई आपने की? मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं हो जाए, और ये जो दादागिरी दिखा रहे हैं वर्दी के वजह से ये रुक जाए। तो आपने कंप्लेंट वगैरह की है? कंप्लेंट कर चुकी हूँ। सर, मेरा नाम राजेश है, मैं आपके यहाँ पे दिल्ली आगरा जो टोल रोड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्यू हाईवे का है, इस पर मैं साउथ एशिया की तरफ से अपना प्रोजेक्ट इंजार लूँ। रात को झगड़ा हुआ है जी, कर्मचारी के साथ मारपीट है, क्या पूरा मामला, कुछ जानकारी आपके पास? जी, रात को 3:26 के आसपास का मामला है। हमने अभी सुबह आके पूरा वीडियो को दोबारा रिव्यू किया है और देखा है, तो उसमें पाया गया है कि सर गाड़ी आती है, उसमें कोई मुलाजिम बैठे होते हैं, वो अपना कार्ड शो करते हैं, कार्ड शो करने के बाद में उनको गाड़ी को एग्जम कर देता है। हमारी जो एग्जमेंट वाली जो भाषा है उसको छूट बोला जाता है, उस गाड़ी को फ्री निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो इसके पीछे वाली गाड़ी है वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के भागने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कर्मचारी खड़ा हुआ है वो उनको रोकने का प्रयास करता है, प्रयास करने के दौरान वो अगली वाली गाड़ी ब्रेक मारती है, वो गाड़ी दोनों आपस में हिट हो जाती हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो पर्सन उसमें गाड़ियों में बैठे हुए थे वो उतरे और हमारे जो कर्मचारी उसके साथ में मारपीट की, मारपीट भी इतनी हद तक की थी, डंडों से लाठियों से मारना उसको प्रारंभ कर दिया और उसको काफ़ी चोटें भी आई हैं। फिर उसको रात को हमारी एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, वहाँ उसके उपचार हमने एम्बुलेंस हुई है और उसका उपचार भी करवाया हमने। अब आने के बाद फिर ये लोग यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, फिर जैसे हमने वीडियो फुटेज में देखा है, उन्होंने आगे टेलीफोन किया है और वहाँ से 4-5 गाड़ी और मंगवाई हैं, टोटल 9-10 गाड़ी है प्लाजा पे हो गई। तब तक हमारे प्लाजा भहके माहौल में हो गया, तो उन्होंने क्या है तुरंत ही 112 पे कॉल करके 112 गाड़ी को बुलाया है, 112 गाड़ी यहाँ पे आई है, हमारे कुछ पुलिस पर्सन भी आए हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है और मामले को शांत करने का कोशिश की है, लेकिन उन
लोगों ने क्या किया है कि उनको भी नहीं बख्शा है, उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, और यहाँ तक भी सीमित नहीं रहा, वो अंदर तक जाते हैं। हमारे एंटर गेट है, मेन गेट, उस पर 20 से 25 आदमी अंदर जाते हैं, वहाँ जाके लड़के के साथ मारपीट करते हैं। जो हमारा रिसेप्शन है वहाँ से लड़के को खींच के लाके उसके साथ फिर से मारपीट करते हैं, तो उसको काफ़ी छोटे जी बिल्कुल। हमने अभी अपने लोकल जो हमारा थाना लगता है गदपुरी, उसमें हमने रात को कंप्लेंट दे दी है, और हमें उम्मीद है पुलिस समय उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी और जल्द से हमें न्याय दिलाएगी। झगड़े में झगड़ा हुआ था उसमें जो पुलिस वाले थे वो भी शामिल थे जो जी बिल्कुल, दो पर्सन उसमें हैं और दोनों पर्सन उसमें शामिल हैं। और ये भी है कि वो कुछ इस तरह का बता रहे कि हमारा आई कार्ड रख लिया है, लेकिन ये सब बातें अनगल हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे पास वीडियो फुटेज है, जो जो उनके कार्ड दिए उनको वापस भी उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, उनको वापस बैक भी कर दिए हैं।